कुछ नहीं है, आओ कि सड़कों पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं अक्सर स्पोर्ट्स बाइक्स, हैवी बाइक्स हमें दिखाई देती हैं, लेकिन ये जो इतने चक्कर लगाते हैं, और चक्कर देते तो नहीं है ना, चक्कर लगाते हैं सिर्फ, इनका मकसद क्या होता है? सिर्फ शौक पूरा करने के सड़कों पर निकलते हैं या कोई मकसद भी होता है? तो ये सब जानने के लिए हमारे टीम मेंबर्स अब्दुल्ला और शाहरुख सीवी पर पहुंचे और उनसे की गुफ्तगू, बल्कि कहना चाहिए झूले मंगली क्या राय मामला आपको दिखाते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके सीवी पर, जो एक राइड ट्रैक की अहमियत इख्तियार कर गया है। यहाँ पे नौजवान लड़के आते हैं, स्पोर्ट्स बाइक पर अपना शौक पूरा करते हैं। पाकिस्तान बाइकर्स एंड एडवेंचर क्लब के कुछ दोस्त अब्दुल्ला के भी हैं। आज अब्दुल्ला में उनसे मिलवाएंगे। जी अब्दुल्ला। शाहरुख, ये वो नौजवान है जो कि शहर में सिर्फ अपना शौक पूरा नहीं करते बल्कि चैरिटी के कामों में भी हिस्सा लेते हैं। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। उमर भाई, आपके क्लब के अंदर कितनी बाइक्स हैं? ऑलमोस्ट 60-62 बाइक्स हैं अभी, और कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा, 55 से 60 तक होती है। और ऐसे ये कौन सी बाइक्स हैं, ज़रा आप इनके बारे में बात करें। अच्छा, बिल्कुल, ये कावासाकी निंजा है, 66 2000 मॉडल। ये कावासाकी निंजा, ये भी 66 है, ये 2015 है। ये यामाहा R6 है, और ये यामाहा R1, और ये भी यामाहा R6। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा, ऑन एवरेज ये जो बाइक्स हैं सारी, ये एक अगर एवरेज एक अंदाज़ा लगाएगा तो एक बाइक कम से कम कितने की हो? डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हुए। बेसिकली बाइक्स इतनी महंगी नहीं है जितनी इम्पोर्ट महंगी है। ये एक्रा पब्लिक है, ये सारी चीज़ें बाहर से ही दोबारा मंगवानी पड़ती है। लाइक अगर इसका एग्जॉस्ट और साइलेंसर वगैरह इसे मंगवा लें सेट, तो 2 से 2.5 लाख रुपए का पाकिस्तानी यहाँ पे पड़ता है। यानी कि अगर ख़राब हो जाए बाइक जी, तो फिर आप लोगों को सामान भी बाहर से ही मंगवाना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सामान की ड्यूटी बाइक है। ये Z800 2010 में एक रेवोल्यूशन था, उसमें कावासाकी ने स्ट्रीट फाइटर बनाया है। और ये भी लोडेड है। आप लोगों के पास जो बाइक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाली बाइक कौन सी है? हमारे पास जो अब सब करीब करीब ही है, मगर लाइट वेट एफिशिएंट बाइक जो है हमारी नज़र में इस टाइम कावासाकी निंजा। ये बेसिकली प्योर ट्रैक बाइक निंजा, ये टैनार कहलाती है, वो निंजा है, ड्यूल स्पोर्ट है, इस पर आप टूर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग ट्रैक है। सबसे महंगी बाइक कौन सी है इस वक्त हमारे पास? वो है H2 और H2R। क्या हमारे पास इस वक्त R1 मौजूद है? जी, R1 भी है हमारे पास, और हम R1 की तरफ भी जाएंगे, R1 की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि R1 से ज़्यादा ये भी निंजा है, ये भी ड्यूल स्पोर्ट, ये नहीं, ये 2014 निंजा, ये 2015 स्पेशल एडिशन। इसके बारे में बता दें, ये 2015 का R1 है, ये R1M नहीं है, ये अच्छा बाइक है, लेकिन इसका कंपेयर अभी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टफ टाइम है। मैंने फिर आपको ये कहा कि अगर आप हमसे कंपेयर करें अमेरिका को भी, तो मतलब मैं ये लिखी, तो उनके पास आज भी फायर ब्लेड से कि जो आपका क्लब है जी, बाइकर्स एंड एडवेंचर, पाकिस्तान बाइकर्स एंड एडवेंचर क्लब। देखें, यहाँ पे मुझे बताया कि चैरिटी के, जी जी, मैं यही बता रहा हूँ। फिर हम लोग ने ऐसा ऐसा राइड्स करना शुरू करी चैरिटी के लिए, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक हमदर्द हाथ के लिए वो करा, हम लोग ने चैरिटी करी। अब हम जनवरी में इंशाल्लाह पाकिस्तान राइड करने के लिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान राइड उसका नाम है, लेकिन वो एक बड़ी राइड होगी, बिग राइड होगी। चैरिटी कैसे कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर्स उधर उस राइड को ओन कर रहे हैं, वो स्पॉन्सर्स डायरेक्ट उनको पैसे देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, संडे को ही मेला क्यों लगता है? संडे को मेला इसलिए लगता है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब्स करने वाले हैं, तो टाइम संडे को ही मिलता है। ये इतना अर्ली फजर के फौरन बाद, इसकी क्या खास वजह? इसकी खास वजह ये है कि ट्रैक ईजी मिले, खाली मिले, और आराम से हम अपनी राइड कर सकें। फन करना है बाइकिंग का, और अगर आपको स्टंट करने हैं तो आप स्टंट सीखें, सारी दुनिया में सीखा, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में, इवन इंडिया में भी KTM वाले स्टंट सिखाते हैं। एक
एक अच्छे हेलमेट की कॉस्ट आप लोगों के पास कितने के होता है वो? अब हमारे पास, किसी जमाने में तो ये लाखों रुपए में बातें थी, अब हमारे पास ऑलमोस्ट 25,000 से शुरू हो जाता है अच्छा हेलमेट, 25,000 से लेकर हमारे पास 2 लाख रुपए तक का अच्छा हेलमेट। हाँ, लेकिन जब आप 2 लाख रुपए तक का हेलमेट पे जाते हैं तो वो इंपोर्ट कराना पड़ता है आपको। दीगर एसेसरीज है, एल्बो नीज वगैरह, ये पहले होती थी अलग अलग, अब डिफरेंट होता है बहुत, समर का भी और विंटर का भी। आपके पास एक जैकेट मिल जाता है बहुत अच्छा, जिसमें ये सिलिकॉन गियर्स होते हैं सारे। चले जी, ये आपको हमने दिखाया, दोबारा आपको दिखाया 4 बजे, आप जरूर देखेगा। अभी वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात हुई कल दोबारा नए मौजूद के साथ। रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।